आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सेस में रिपोर्ट जनरेशन के बारे में देखेंगे। आपको यहाँ पर एक्सेस 2007 ओपन हुआ दिख रहा होगा और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिएट वाला जो टैब है इसके अंदर आपको टेबल्स, फॉर्म्स और रिपोर्ट के ऑप्शन दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्वेरी के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली चार टाइप के यहाँ पर काम होते हैं और चारों को हमको समझना है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है जिसका नाम है स्टूडेंट, और जब मैं इसको डिज़ाइन भी दिखाऊंगा तो इसके अंदर तीन फील्ड्स हैं, रोल नंबर, एस नेम यानी स्टूडेंट नेम और एज, इनका डेटा टाइप भी लिया गया है। और अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन करूं तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ रोल नंबर्स दिख रहे हैं, नेम दिख रहे हैं और एज दिख रहा है। अब हमें इस टेबल की रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट तैयार करने से हमें उसका आउटपुट प्रिंटेड फॉर्म पर मिल सकता है, प्लस फिल्टर होकर भी मिलता है, कुछ कैलकुलेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिपोर्ट बनाना जो है एक लेंथी प्रोसेस होता है, बट हम एक जनरल पूरा डेटा सेलेक्ट करके उसे प्रिंट करके यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। तो रिपोर्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्रिएट वाले टैब पर जाना होता है, और आपको यहाँ पर रिपोर्ट वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसमें देखिए कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जैसे ब्लैंक रिपोर्ट दिख रही है, रिपोर्ट विजार्ड दिख रहा है और रिपोर्ट डिज़ाइन दिख रहा है, कुछ लेबल्स भी दिख रहे हैं। तो आपको रिपोर्ट बनाने के लिए तीन चार तरीके दिखाए जा रहे हैं। एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाइए, फिर मैन्युअली रिपोर्ट को डिज़ाइन करिए, या फिर रिपोर्ट की डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और रिपोर्ट का व्यू देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड हमें रिपोर्ट बनाने पे हेल्प करता है, केवल हमसे क्वेश्चंस पूछते जाता है, हम उसका आंसर करते हैं और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट डिज़ाइन कर देता है। सबसे आसान तरीका जो है वो रिपोर्ट विजार्ड है। तो आइए देखते हैं कि इस टेबल का जो स्टूडेंट टेबल है जिसमें ये डेटा रखा हुआ है, इसकी रिपोर्ट हम रिपोर्ट विजार्ड से कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस एक्सेस में एक टेबल क्रिएट करना होगा और टेबल में डेटा की एंट्री करनी होगी, उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार होगा, क्योंकि टेबल बनने के बाद ही आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। इनपुट अगर नहीं देंगे तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमको क्रिएट पे क्लिक करना है और रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक कर देंगे। विजार्ड पे क्लिक करते ही हमारे पास रिपोर्ट विजार्ड विंडो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा और ये हमसे एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाएगा। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि किस टेबल का रिपोर्ट आपको तैयार करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल टेबल का भी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही टेबल है तो उसने बाय डिफॉल्ट उस टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास एक से अधिक टेबल होंगे तो यहाँ पर आपको उस टेबल का नाम देना होगा ऐसा सेलेक्ट करके। यहाँ पर एक ही टेबल होने की वजह से वो टेबल को सेलेक्ट कर लिया है और उसके अंदर जो जो फील्ड्स हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आ रही है। अगर रिपोर्ट में आप चाहते हैं कि ये तीनों फील्ड दिखाई दें तो आप एक एक करके इनको राइट की तरफ शिफ्ट करिए, क्योंकि ये सेलेक्टेड फील्ड्स हैं। तो ये तीनों फील्ड्स जो हैं रिपोर्ट में डिस्प्ले होंगी और प्रिंट भी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट में एज दिखाई ना दे तो इसको आप इधर रख सकते हैं, वो सेलेक्टेड में नहीं आएगा। पहले हम पूरा करके देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में एक को हटा करके देखेंगे। पहला जो स्टेप था जिसमें उसने हमें टेबल और फील्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करते ही हमको रिपोर्ट की वो डिज़ाइन दिखाएगा कि रोल नंबर, नेम और फील्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखाई देगा कि आपको रोल नंबर, और यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको कोई ग्रुप करना है क्या। ग्रुप क्या होता है ये हम सेकंड सेमेस्टर में जानेंगे। ग्रुप का मतलब होता है जैसे आपके पासबुक वगैरह में प्रिंटिंग होती है तो ग्रुप में प्रिंटिंग्स होती है। तो ग्रुप थोड़ा सा अभी जो कंसेप्ट है थोड़ा टफ है, सेकेंड सेमेस्टर में एक्सेस के ऊपर आपका पूरा रहेगा, पूरे 6 महीने तक पढ़ोगे आप ये, मतलब अभी जाते आपका कोर्स कंप्लीट होते तक एक्सेस आपके साथ में रहेगा लास्ट दिन तक, ठीक है। तो ये सिंपल हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट है और हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग इस तरीके से दिखाई जा रही है कि आपको कोई डेटा को सॉर्ट करना है क्या, अगर करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए नाम वाला जो है वो ऊपर में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया मैंने, टेबुलर डेटा है,
कॉलम वाला डेटा है, जस्टिफाइड है, कोई रिपोर्ट है, लैंडस्केप है, सेटिंग पूछते जा रहा है, अब बस यहाँ पर लेते जाइए। तो हमारा जो डेटा है टेबुलर फॉर्म पर है, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए भी बोल रहा है, ऑटो एडजस्ट होगा। और देखिए रिपोर्ट का फॉर्मेट ये कैसा दिखेगा, अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो जो भी सेटिंग पहले से की हुई है उसी पर करके देखिए, तब फिर आगे बढ़ते जाइएगा। रिव्यू करना है कि इसके बाद भी मॉडिफाई करना है, आप देख सकते हैं मैं मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको रिपोर्ट की डिज़ाइन दिखाई दे। देखिए रिपोर्ट ऐसा डिज़ाइन होता है, इसमें स्टूडेंट लिखा होगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन कॉलेज, थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल्स मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हेडिंग्स जो है मैंने एडिट कर ली है, प्लस यहाँ पर पेज हेडर जो रिपोर्ट सेक्शन है उसमें हेडर्स तैयार हुआ, नेम रोल नंबर, क्योंकि मैंने नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग की है इसलिए नेम पहले आ गया है, ठीक है। और इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट हुई है, नीचे में यहाँ पर पेज नंबर वगैरह सारा का सारा वो ऑटोमेटिक विजार्ड ने ऑटोमेटिक इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट की एक रिपोर्ट तैयार हो गई है, ये टेबल है, ये रिपोर्ट है जी। डिज़ाइन को मैं बंद करूँगा, सेव कर दूंगा। जब मैं टेबल को ओपन करता हूँ तो ऐसा दिख रहा है, टेबल ऐसा दिखता है। नेक्स्ट जब अगर मैं ये रिपोर्ट को ओपन करूँगा तो वो ऐसा दिखेगा, देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। और इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ों के ऑप्शन इसमें दिख रहे हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये प्रिंट निकलता है, इसमें डेटा चेंज नहीं होता, केवल दिखाई देता है। देखिए अमन नाम ऊपर आ गया, मनोज एंड राजेश को नीचे कर दिया है वो, क्लियर है। किस डेट में प्रिंट हुआ, कितने पेज थे और ये कौन सा पेज नंबर है ये भी दिख रहा है आपके पास, क्लियर है। इस रिपोर्ट को आप प्रिंट कर सकते हो और पेज में ऐसा प्रिंट होगा, देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, और यहाँ पर प्रिंट करते ही वो प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है, पीडीएफ बनाना है, जैसा करना है आप करिए। तो आप देखे होंगे कि जब भी आप अपना मार्कशीट प्रिंट करते हैं तो नीचे में ऐसा डेट वगैरह लिखा रहता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो इस तरीके से हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेस में, उस हमने रिपोर्ट विजार्ड का यूज़ किया। रिपोर्ट विजार्ड अगर आप यूज़ नहीं करते तो रिपोर्ट डिज़ाइन लेंगे, ये पूरी ब्लैंक है, यहाँ पर एक एक चीज़ आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी, खुद मैन्युअली डिज़ाइन करनी है। और ये सारे कंट्रोल्स हैं, देखिए कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको, ये जो कंट्रोल्स आप देख रहे थे, ठीक है। तो हमने रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू यहाँ पर एक रिपोर्ट डिज़ाइन की। तो ये था रिपोर्ट जनरेशन।